हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सलीम मलिक और आप लोग देख रहे हैं जैन इजी। सो आज मैं कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो लाइटरूम और स्नैपशॉट का अंदर आप लोगों को लाइटरूम का अंदर चला जाना है। लाइटरूम के अंदर जाने के बाद फ़ोटो को ऐड कर लें। फ़ोटो को मैं पहले से ऐड करके रहा हूँ, तो ये फ़ोटो है मेरा। सो उसके बाद आप लोगों को इसका बैकग्राउंड कलर एडिट करूँगा। तो सबसे पहले आपको इस पे चला जाना है, इंसान पे। उसके बाद वाइट को 26 तक रख लेना है। उसके बाद ब्लैक को थोड़ा कम कर लेना है। सो उसके बाद हाईलाइट को यहाँ से थोड़ा 24 तक रख लेना है। उसके बाद हम लोगों को बैकग्राउंड कलर का इसमें चला जाना है। उसके बाद वेवलेंथ को यहाँ से थोड़ा 26 बढ़ा लेना है। उसके बाद सिचुएशन को भी इसको 14 तक रख लेना है। उसके बाद आपको मिक्स टूल पे चला जाना है। उसके बाद आपको रेड वाले टूल पर जाना है। इसके बाद सेचुरेशन को थोड़ा कम करना है और लुमिनेंस को थोड़ा ज़्यादा करना है, तो आपका फेस वाइट हो जाएगा। उसके बाद आपको इस येलो टोन पे चला जाना है। येलो टोन का ह्यू को थोड़ा कम कर लेना है, 100 तक कम कर लेना है। इसके बाद सिचुएशन को यहाँ में आपको 100 तक बढ़ा देना है। इसके बाद आपको स्टैंड पर जाना है। उसके बाद इसका पूरा यहाँ से आपको पूरा 100 तक कम कर देना है। उसके बाद इसका सेचुरेशन तक पूरा बढ़ा लेना है। उसके बाद आपको इस टूल पर जाना है। इस टूल पर जाने के बाद आपको ह्यू को पूरा कम कर लेना है 100 तक। उसके बाद सेचुरेशन को पूरा बढ़ा देना है। सो इसके बाद आपको इसमें चला जाना है। वो बाइक का कलर थोड़ा सा क्लियर करूँगा। इसको सिचुएशन को थोड़ा ज़्यादा कर देना है। इसके बाद ह्यू को भी थोड़ा ज़्यादा कर देना है। सो देखिए अब अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपको इसमें डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको स्टूल पर जाना है। स्टूल पर जाने के बाद आपको ये थ्री पर जाना है। थ्री पर जाने के बाद इसमें क्लिक करना है। सो गाइस देखिए अभी रेड टोन हो गया। सो बहुत अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड देखने के लिए। तो यहाँ से आपको 104 तक रख लेना है। उसके बाद इसमें चेक मार्क में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको फिर इस मिक्स टूल पर कलर टोन पर जाना है। टूल पर जाने के बाद इसमें मिक्स टूल पर जाना है। मिक्स टूल पर जाने के बाद इसमें नंबर वन जो कलर है इसमें जाने के बाद आप लोगों को फेस को पूरा रेड रेड रख लेना है। इसको ये थोड़ा वाइट कर लेना है। सो इसको सिचुएशन को आपको थोड़ा सा कम कर लेना है, 23 इससे तक रख लेना है। रखने के बाद आपको लुमिनेंस को यहाँ से थोड़ा 20 तक रख लेना है। इसके बाद फिर इसमें जाना है। जाने के बाद सेचुरेशन को कम करना है। उसके बाद आपको लुमिनेंस को थोड़ा ज़्यादा कर लेना है। सो 15 तक रख लेना है। सो उसके बाद आपको ये सेचुरेशन को थोड़ा और ज़्यादा कर लेना है। सब देखिए उनका फेस वाइट हो गया। सो उसके बाद आप लोगों को इस पे चला जाना है। इसमें जाने के बाद आपको डिग्निटी को थोड़ा कम कर लेना है। उसके बाद क्लियरिटी को ज़्यादा कर 10 तक रख लेना है। उसके बाद टेक्सचर को 10 तक रख लेना है। उसके बाद आपका फेस स्मूथ करने के लिए इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद आपको शार्पनिंग को 52 तक 43 तक रख लेना है। उसके बाद नॉइस रिडक्शन को भी 28 तक रख लेना है। उसके बाद कलर नॉइस रिडक्शन में 27। उसके बाद स्मूथनेस में जाने के बाद आपको 66 तक रख लेना है। सो इसमें अभी मेरा हो गया। इसमें अभी देखिए बिफोर एंड आफ्टर। सो इस फोटो का भी सेव कर लेना है। यहाँ से शेयर किया चला जाना है। जाने के बाद इसमें एक्सपोर्ट में करना है। उसके बाद आपको इसमें क्लिक कर लेना है। तो अब मेरा फ़ोटो सेव हो रहा है। तो गाइस सेव हो गया फ़ोटो। फिर इसमें शेयर में जाना है। अभी हम लोग स्नैपशॉट के अंदर जाना है। तो इसमें स्नैपशॉट के अंदर जाएगा अभी। तो यहाँ से हम लोग को स्नैपशॉट ये है, स्नैपशॉट में क्लिक करना है। उसके बाद स्नैपशॉट में चला जाना है। स्नैपशॉट में जाने के बाद हम लोग जो बैकग्राउंड PNG है वो सब ऐड करूँगा। इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद आपको इस ट्यून में जाना है।
16 में जाने के बाद इसमें ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा कर लेना है, ब्राइटनेस 8 तक रख लेना है। इसके बाद कॉन्ट्रास्ट को यहाँ से थोड़ा 12 तक रख लेना है। उसके बाद सैचुरेशन को भी तो 11 रख टेन तक रख लेना है। उसके बाद एम्बेस को आप लोगों को 27 तक रख लेना है। उसके बाद हाईलाइट को थोड़ा कम कर लेना है, 10 तक कम कर लेना है। उसके बाद शेडो को भी आपको थोड़ा कम कर लेना है, 7 तक कम कर लेना है। उसके बाद इसको थोड़ा कम कर लेना है, सॉरी गाइस, इसको 1 तक ही रख लेना है। इसके बाद आपको इसमें जो फेस में वो रेड रेड रहा है इसमें जाएगा। इसमें जाने के बाद आपको व्यू डिटी एडिट में जाना है, बस इसमें क्लिक करना है। इसमें इसको क्लिक करने के बाद आपको इसमें जाना है, इसमें क्लिक करना है। सो इसमें क्लिक करने के बाद आपको इसमें इसका जो फेस है उसको थोड़ा देखिए ठीक लग रहा है। सो इसके बाद आप लोगों को फेस में क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको PNG यूज करूँगा, उसको डबल एक्सप्लोजर में जाना है। इसके बाद इसमें PNG यूज करूँगा, मैं आपको ऐड कर लूँगा। सबसे पहले ग्लारी में जाना है, 2 PNG यूज करूँगा। सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये PNG है मेरा, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड में क्लिक कर देना, ऐड में क्लिक करने के बाद इसमें इतना रहने देना। सो इसको मैं बस अब हो गया। इसके बाद आपका ये जो दिखाई दे रहा है ये साइड में ये बाइक के ऊपर आ गया, तो इसको मैं काट दूंगा। सबसे पहले इसमें जाना है, फिर जाने के बाद व्यू एडिट्स में जाना है। जाने के बाद फिर इसमें डबल एक्सप्लोजर में क्लिक करना है, इसमें क्लिक करना है। करने के बाद फिर इसमें से कहें इसमें टैप कर देना। टैप करने के बाद आपको ये है जो 100 से यहाँ से कम कर देना, पूरा 0 तक कर देना। 0 रखने के बाद आपको ये जो है ये पत्थर का है ये सब हटा दूँगा, नहीं रख कर देना। तो इसको भी कर देता हूँ। तो बस देखिए अब रिलीज हो गया, अभी अच्छा लगा देंगे। इसके बाद इसमें फ़ोटो कर देंगे, फिर इसमें करना है। करने के बाद आपको फिर इसका जो लाइट है, लाइट को मैं लाइट ये लगाऊंगा, लाइट इफेक्ट जो लगाऊंगा इसका मैं PNG ले लेता हूँ। फिर इसमें डबल एक्सपोजर में क्लिक करना है, डबल एक्सपोजर में क्लिक करने के बाद इसमें फिर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरा जो PNG है उसको मैं ले लेता हूँ। सो ये है मेरा लाइट PNG। सो इसके बाद इसमें आपको को ऐड में कर दूँगा। ऐड में करने के बाद आपको इसमें अच्छा से देख के मिला लेना है, इसमें पूरा सेटिंग को इसका पूरा मिला लेना है, जैसे देख के पूरा अच्छे से मिला लेना है। तो इसमें ये हो गया बस, ये बस, हाँ ये बस हो गया अभी। तो उसके बाद फिर बहुत अच्छे से लग गया। सो फिर इसमें क्लिक कर देना। सो इसके बाद आप लोगों को और कुछ नहीं इसमें, बस अब हो गया इसमें। फिर इसमें क्लिक करना है, करने के बाद ये पोर्ट्रेट में करना है। पोर्ट्रेट में करने के बाद आपको फेस जो फेस है उसको स्मूथ कर लेंगे, फेस स्मूथ करना है। सो इसको आपको 44 तक रख लेना है। उसके बाद स्किन स्मूथ में 33 तक रख लेना है। तो बस अब हो गया। इसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट टूल में जाना है। जाने के बाद आपको फेस में क्लिक करना है। फेस में क्लिक करने के बाद फेस जो थोड़ा वाइट कर दूंगा मैं। सो उसके बाद ब्राइटनेस बढ़ा देना है। सो अब देखिए, सो फेस देखिए, अभी फेस तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो बस अब हो गया। बाद आप लोगों को इसमें और कुछ नहीं करना है। सर इसके बाद आप लोगों को और कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप लोगों को फ़ोटो यहाँ से सेव कर लेना है। तो मेरे फ़ोटो सेव कर लिया हूँ। सो यहाँ से आपका डन कर देना है, फ़ोटो सेव हो जाएगा अपना।
सो गाइस आप देख सकते हो पूरा कंप्लीट फोटो एडिटिंग हो गया है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग फोटो वीडियो के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय।